हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपिका स्टाइल। और मैं हूँ दीपिका। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो है ब्रेड क्रम्स जी। ये मैंने ब्रेड से बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, इतना दरदरा मैंने मिक्सी से पीसा हुआ है। ये देखिए, इसका यूज़ हम जैसे पनीर टिक्की बनाते हैं या फिर पनीर रोल बनाते हैं या अदर कोई टिक्की बनाते हैं या कटलेट वगैरह बनाते हैं, तो इस ब्रेड क्रम्स का हम यूज़ करके उस रेसिपी को और थोड़ा सा क्रिस्पी बना सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको मैंने किस तरीके से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्रेड लेना है। ये मैं अभी एक ही ब्रेड से ब्रेड क्रम्स बनाने वाली हूँ, तो अभी हमें इसको तवे पे सेकना है। तो गैस पर मैंने तवा चढ़ाया हुआ है, अब हम ब्रेड को सेकते हैं। ब्रेड को आपको बिना ऑयल या बिना मक्खन या फिर घी के आपको सेकना है, तो आपको दोनों साइड अच्छे से इसको सेकना है। दोनों साइड आपको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से सेकना है। ये देखिए, ब्रेड हल्की गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। ये बिना घी के मैं इसको सेक रही हूँ, ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है आपको, ऐसे ही सेकना है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको एक दो मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, ब्रेड को मैंने प्लेट में निकाल लिया है और अब ये ठंडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, आवाज़ आ रही होगी। तो चलिए अब मैं इसको मिक्सर में डालकर दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे मिक्सर में डाला हुआ है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ही आपको डालना है। तो चलिए मैं इसको पीस लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको यहाँ पे पीस लिया है और एक प्लेट में निकाल लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हमारा ब्रेड क्रम्स रेडी है। ये देखिए, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि आप इसमें इसका किसी भी रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप कटलेट बना रहे हैं या फिर आप रोल बना रहे हैं, पनीर रोल वगैरह बना रहे हैं या फिर आप टिक्की बना रहे हैं, तो उसमें भी इसका इजीली आप यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है इसको बनाना, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। तो ये अब रेडी है। अब मैं इसको स्टोर करके 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकती हूँ। आपको एयर टाइट डिब्बे में ही रखना है और फ्रिज में स्टोर करके रखना है, तो आराम से आप 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं। सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पास में ही बेल आइकन का बटन है तो उसे भी प्रेस करना ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ या नेक्स्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के साथ या कोई भी अदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।